मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो आपकी पढ़ाई कुछ कारणवश या कोरोना के महामारी के चलते आपकी स्कूलें बंद हो चुकी हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसपी मॉन्टेसरी द्वारा ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया गया, जिसमें क्लास 7th के बच्चे सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज 4.6 को देखेंगे, जो 4.5 तक आपका एक्सरसाइज को करवा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फेयर भी कर लिए होंगे। तो आज पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.6। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कुछ रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे, उसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आइए जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है बेटा। तो नंबर लाइन, जैसे कि बेटा जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर आप वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा? इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है बेटा। इसमें बीच में क्या होता है बेटा? एक जीरो। बीच में क्या होता है? जीरो। और उसके जो राइट साइड, जीरो से राइट साइड में, या फिर कह देंगे आर एच एस राइट हैंड साइड, और एक जीरो से क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड साइड। जीरो से याद रखिएगा बेटा, एल एच एस। जो आरएचएस साइड में होता है बेटा, उसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। इसमें जो जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। और जीरो से लेफ्ट साइड में क्या आते हैं बेटा? निगेटिव नंबर्स आते हैं। तो आपने नंबर्स में पढ़ लिया होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर। निगेटिव नंबर्स ना नेचुरल होते हैं ना होल होते हैं, लेकिन होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। यही जीरो से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं बेटा, वन से स्टार्ट होते हैं। और आप कहेंगे कि सर वर्टिकल लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप ये जान लीजिए, देखिए बेटा ये क्या होता है बेटा, इसमें भी एक बीच में क्या होता है? जीरो। और इसमें जो राइट साइड में पॉजिटिव था, इसमें क्या होता है? अप साइड की तरफ, मतलब अपवर्ड की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर की साइड में। अप साइड में क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या था? निगेटिव। इसमें डाउन साइड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा? निगेटिव होगा। जीरो से नीचे निगेटिव, जीरो से ऊपर पॉजिटिव। ओके बेटा, जीरो पे कोई ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ओके, कोई आवेश इसमें नहीं होता बेटा। या फिर ये कह दीजिए कि नंबर लाइन पे, ध्यान से सुनिएगा, जीरो से राइट साइड जाने पे पॉजिटिव आता है, जीरो से लेफ्ट साइड जाने पे निगेटिव संख्याएं आती है। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि पॉजिटिव संख्या क्या होती है और निगेटिव संख्या क्या होती है। जैसे जीरो के बाद प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, ये सब आते डॉट डॉट इनफिनाइट तक आते हैं, ठीक है बेटा। और इससे जीरो से लेफ्ट साइड में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी माइनस में इनफिनाइट तक आती है। ओके, इसके कुछ नियम्स होते हैं। नंबर लाइन के क्या होते हैं बेटा? कुछ नियम्स होते हैं नंबर लाइन पे, ध्यान से सुनना बेटा। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि दो, सॉरी तीन दो से क्यों बढ़ा है, तीन दो से क्यों बढ़ा, तीन दो से क्यों बढ़ा है, अब मान लीजिए तीन दो से क्यों क्या है? बढ़ा है। कह रहे तीन दो से एक बढ़ा है, तो अगर पूछ देगा क्यों, क्यों दो बढ़ा है, तो नंबर लाइन की थ्योरम होती है बेटा। क्या होती है कि नंबर लाइन पे क्या होता है बेटा? नंबर लाइन पर, ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन पर बाएं तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ती है। या फिर यह कह दीजिए आरएचएस साइड पर चलने पर संख्याएं क्या होती है? बढ़ती है। आरएचएस साइड पर चलने पर, या फिर दाएं तरफ चलने पर, दाएं तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ती है। क्या करती है बेटा? बढ़ती है। अब कह देंगे, अब ये कहेंगे कि आप इनसे, आपको इससे क्या मतलब? तो कह रहे बेटा, कह रहे नंबर लाइन पर दाएं तरफ चलने पर संख्याएं क्या होती है? बढ़ रही है। मैंने आपको इसका थ्योरम बताया। और इसके ऊपर की तरफ चलने पर, हम वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है। इसमें नंबर लाइन पर तरफ दाएं पर चलने पर संख्या बढ़ती है, और बाएं तरफ, और बाएं तरफ चलने पर संख्याएं क्या होती है बेटा?
जब इसमें बढ़ती है तो इसमें घटती है, क्या होती है बेटा, घटती है। चलिए तो आइए जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है। एक नंबर लाइन होता है जिसमें से जीरो से स्टार्ट होता है बेटा, उसके राइट जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। तो मैंने कहा कि तुमने देखा कि तीन दो से क्यों बढ़ा, तीन दो से क्यों बढ़ा है। तो आइए मैंने पूछा आपसे, सर आपने आपको तो एब्सोल्युटली पता है कि तीन बढ़ा है लेकिन दो से, तो पूछ देंगे कोई पूछ देगा कि क्यों बढ़ा है, तो आपका इस पर जवाब देंगे। तो आप कहेंगे कि नंबर लाइन पे दाएं तरफ चलने पर, दाएं तरफ चलने पर संख्या क्या होती है, बढ़ती है, और दाएं तरफ चलने पर संख्या घटती है। तो ये देखिए ये दो है यहाँ पर, आप आइए नंबर लाइन पे दो है और ये क्या है तीन है। तो कह रहा है कि दाएं तरफ चलने पर दो से तीन किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में, मतलब दाएं साइड में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा बोला, दाएं तरफ चलने पर संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए दो तीन से छोटा है या तीन दो से बड़ा है, आप इसको ये कह सकते हैं दो तीन से इसलिए छोटा है क्योंकि तीन से बाएं तरफ आता है दो और दो से दाएं तरफ आता है तीन, इसलिए तीन क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे भी अब आ जाइए बेटा, अब मैं कह दूं माइनस वन और टू में कौन बड़ा है, माइनस वन और टू में क्या कौन बड़ा है बेटा। तो याद रखिएगा एक माइनस सिंबल्स होता है और एक प्लस सिंबल्स होता है, तो एक्चुअली जब माइनस और प्लस आ जाए तो हमेशा प्लस ही बड़ा होता है, हमेशा प्लस ही बड़ा होता है। क्यों, इसी थ्योरम पे चलते हैं। देखिए माइनस वन से दो किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, किस साइड में जा रहा है बेटा, माइनस वन से दो राइट साइड में आ रहा है, इसलिए बड़ा होता है। जो संख्या पूछेगा उस संख्या से देख लीजिएगा कि वो संख्या राइट साइड में आएगा तो बड़ा होगा, और वही संख्या लेफ्ट साइड में उसी संख्या से आएगा तो छोटा होगा। ओके बेटा, समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा, आप जैसे समझ सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपने दे दिया कि प्लस हो गया एक माइनस हो गया, सॉरी एक माइनस और एक प्लस हो गया, तो आपने तो कहा कि सर प्लस वाला हमेशा बड़ा आता, क्यों, क्योंकि ये रीजन रहा आपका। अब आ जाइए बेटा, अब मैं ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ, साफ करने जा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल गया कोई संख्या क्यों दूसरे से बड़ा होता है। तो आइए अब मैं कह रहा हूँ बेटा माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस फाइव में, माइनस फोर और माइनस फाइव में कौन बड़ा है। अगर यही दोनों चीज प्लस में होता, अगर दोनों प्लस में होता तो एक्चुअली फाइव बड़ा, क्योंकि फोर से फाइव राइट साइड में आता। लेकिन यहां पे देखिए बेटा माइनस फोर और माइनस फाइव, माइनस फोर और माइनस फाइव में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि माइनस फोर बड़ा है। तो कैसे, आपने कहा कि सर कैसे, तो मैं बताता हूं बेटा कैसे। मैंने अभी थ्योरम जो लिखा था नंबर लाइन पे, दाएं तरफ चलने पर बढ़ती है और बाएं तरफ चलने पर घटती है। तो यहां देखिए यहां पे फोर है और फोर से किस साइड में है, माइनस फाइव, बाएं साइड में है, क्या है, बाएं साइड में, इसलिए माइनस फोर से माइनस फाइव क्या है, छोटा है। इसलिए माइनस फाइव से माइनस ये कौन छोटा है, बड़ा है माइनस फोर, और माइनस फाइव क्या है, छोटा है। अगर यही रहता माइनस फोर और थ्री में, अगर यही रहता माइनस फोर और फाइव में, तो एब्सोल्युटली फाइव बड़ा, क्योंकि देखिए फोर से फाइव राइट साइड में आ रहा है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, आपको कोई कंफ्यूज होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, आपका कोई डाउट्स, यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे या फिर आप ये यूट्यूब चैनल पर क्या कर लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक्स नहीं समझ में आया, मैं इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ओके बेटा चलिए अब आता है, आप समझ गए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए माइनस वन लाख, माइनस वन लाख एंड माइनस थ्री में कौन बड़ा है। ये देखिए माइनस वन लाख इधर आएगा और माइनस थ्री यहां पे, इसका मतलब माइनस वन लाख इसके किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो माइनस वन लाख क्या छोटा होगा और माइनस थ्री क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए माइनस थ्री क्या होगा, बड़ा होगा। ओके बेटा, माइनस वन लाख से माइनस थ्री क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, मैंने आपको थ्योरम बता दिया, ठीक है। अगर आप थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको नंबर लाइन समझ में आ जाएगा। ओके, सेम चीज है वर्टिकल में, ऊपर की तरफ बढ़ता है और नीचे की तरफ घटता है। ओके चलिए अब आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स लाइन पे कुछ हम रेशनल नंबर्स को।
ओके नंबर वन समझ में आ गया बेटा। चलिए मैं फिर से एक आपका पहला क्वेश्चन ही है कि सर पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन से। आपको नंबर लाइन समझ में आ गया बेटा, 2/3 को नंबर लाइन का क्या कीजिए रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे नंबर लाइन और क्या होगा जीरो, बीच में जीरो। अब यहां पे देख लीजिए बेटा ये पॉजिटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है जीरो से राइट में बनेगा, लेफ्ट में बनने की कोई चांस नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पे देख लीजिए बेटा ये एक ये दो और ये क्या हो गया तीन। अगर हम इसको ध्यान से देखिएगा बेटा ये पहले कौन सा फ्रैक्शन है पहले देख लेते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये देखिए बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जीरो और वन के बीच में ही आएगा क्योंकि अगर हम इसमें अगर एक और जोड़ देते हैं तो ये 3/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा बेटा वन। तो इसका मतलब ये वन से छोटा सॉरी वन से छोटा और जीरो से बड़ा, तो मतलब वन और जीरो के बीच में आएगा। तो खैर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक हम पॉजिटिव नंबर बना लेंगे। यहां से देखिएगा जीरो, अब यहां पर लिख दीजिएगा बेटा ये ए और ये बी और ये सी। तो ये ए करेगा ये मान लीजिए वन, ये टू, ये थ्री। तो इसको बाई क्या है थ्री है बेटा, तो बाई थ्री, बाई थ्री और बाई थ्री, इसका मतलब 3/3 इज इक्वल टू वन। या ये जीरो से लेकर सी का क्या होता है वन होगा, ऐसा कह दीजिए। या अब ये कह रहे 2/3 को रिप्रेजेंट करना तो बी रिप्रेजेंट करो बी पॉइंट बी, ऐसे कह लीजिएगा पॉइंट बी इज रिप्रेजेंट द 2/3 रिप्रेजेंट ऑफ 2/3 रिप्रेजेंट ऑफ द 2/3 मतलब पॉइंट बी 2/3 को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा अब ये पॉजिटिव नंबर हो गया। अब आ लीजिए एक कोई निगेटिव नंबर पूछ दे, क्या पूछ दे बेटा निगेटिव नंबर। तो आइए ये देखते हैं, ये आपका मान लीजिए -7/3। तो आप ऐसे ही एक नंबर लाइन को बनाएंगे तो माइनस है तो जाहिर सी बात है जीरो के इधर होगा। तो ये कह दीजिएगा ए बी सी डी ई एफ, क्या हो गया बेटा जी। तो यहां पर एक -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7। अब बाई कितना है थ्री, तो सब में बाई लगा दीजिए थ्री। ओके बेटा याद देखिए -3/3 ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा देखिए, ठीक है ना। अगर -3/3 क्या होगा अगर ये आ गया, अब देखिए -6/3 ये -2 को, इसको काटेंगे तो -2 आएगा, इसको काटेंगे तो -1 आएगा। तो -1 और ये -2 मतलब -2 के बाद है, मतलब ये जो -7/3 है -2 से क्या है छोटा है और -2 से क्या है छोटा है और -3 से बड़ा है। ठीक है आपको इसकी बीच की प्रेजेंटिंग पता चल गई ना कहां कहां रहेगा। तो आइए बेटा -2 से बड़ा और -3 से छोटा है। ओके अगर यहां पर एक और आ जाता है कि माइनस, चलिए यहां पे आ गया तो ये आ गया, तो यहां पे लिख दीजिएगा पॉइंट जी इज रिप्रेजेंट ऑफ कितना -7/3। ओके बेटा पॉइंट जी इज रिप्रेजेंट ऑफ -7/3। तो ऐसे ही आप लोग 4.6 पूरा बना लीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा। और कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको मैंने बता दिया है, -3/8 और जीरो में कौन बड़ा है, एब्सोल्युटली जीरो बड़ा है क्योंकि जीरो क्यों बड़ा है क्योंकि माइनस डिजिट है, माइनस डिजिट के जीरो राइट साइड में आता है, जितने भी माइनस डिजिट है डिजिट है तो जीरो उसके क्या होता है राइट साइड में आता है, इसमें क्या है जीरो क्या बड़ा है। ओके बेटा एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अन्यथा आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। जो भी डाउट्स है आप हमको बता दीजिएगा और आप 4.6
6 पूरे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 4.6 कंप्लीट हो गया, मतलब 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको बताया जाएगा ऑपरेशन ऑन द रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर आपका जो 5 चैप्टर है आरडीएस का। तब तक के लिए आप लोग अपना फेयर कंप्लीट कर दीजिए 4 तक, और हमारे कमेंट बॉक्स में उसकी कॉपी फोटो खींच के डाल दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पढ़ाई अच्छा लगा, और जो आपके डाउट्स हैं मैंने पहले ही बता दिया कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।